काफ़ी समय से सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में लीक्स आ रही हैं। हम सभी को पता ही है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 सैमसंग की तरफ से उनका 2019 का फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है। अब हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी S10 के रिलीज डेट और प्राइसिंग के बारे में डिटेल्स सामने आई है, तो आज इस वीडियो में बात करते हैं उसी के बारे में। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि सैमसंग गैलेक्सी S10 से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ। तो इसी के साथ मैं हूँ राज और आइए आगे बढ़ते हैं। तो गिज़्मोडो UK रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी S10 इस बार के MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से पहले ही लॉन्च हो सकता है। अब ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अगले साल यानी कि 2019 में फरवरी 24 को होने वाला है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं, और सैमसंग गैलेक्सी S10 इससे पहले ही लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 फरवरी 20 को लॉन्च हो सकता है। अगर हम इसे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 के लॉन्च डेट से, तो गैलेक्सी S10 गैलेक्सी S9 के लॉन्च डेट से भी एक हफ्ता पहले लॉन्च होने वाला है, जो काफ़ी अर्ली है। अपने फरवरी 20 के लॉन्च के बाद 8 मार्च से गैलेक्सी S10 सेल के लिए आ जाएगा और यूजर्स इसे खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं कि किस प्राइस रेंज में यूजर्स सैमसंग गैलेक्सी S10 को खरीद पाएंगे, यानी कि बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इस बार सैमसंग गैलेक्सी S10 दो वेरिएंट्स में नहीं बल्कि 3 वेरिएंट्स में आने वाला है, और वो होने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S10, सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की। ये एक फ्लैट डिस्प्ले मॉडल होगा जिसमें 5.8 इंचेस का डिस्प्ले पैनल हो सकता है। यहाँ पीछे ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक या साइड में हो सकता है। तो ये सैमसंग गैलेक्सी S10 का बजट वेरिएंट होने वाला है। इस वेरिएंट में होगी 128 GB इंटरनल स्टोरेज और इसकी प्राइस हो सकती है $845, यानी कि लगभग 60,000 रुपीज। इसके बाद बात करते हैं रेगुलर सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में। यह होगा 6.1 इंचेस का इन्फिनिटी डिस्प्ले पैनल जिसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड में कर्व्ड एजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जहाँ एक होगा प्राइमरी सेंसर और उसके साथ हो सकता है वाइड एंगल सेंसर और टेलीफोटो लेंस। फ्रंट कैमरा होगा डिस्प्ले के अंदर, यानी कि फ्रंट साइड में आपको डिस्प्ले में एक छोटा सा कटआउट या होल देखने को मिल सकता है फ्रंट कैमरा के लिए। यहाँ आपको दो अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ एक में होगी 128 GB इंटरनल स्टोरेज और इस वेरिएंट की प्राइस हो सकती है $1,009, यानी कि लगभग 70,000 रुपीज़ के आसपास। जो दूसरा वेरिएंट है उसमें होगी 512 GB इंटरनल स्टोरेज और इस वेरिएंट की प्राइस हो सकती है $1,260, यानी कि लगभग 89,000 रुपीज़ के अराउंड। अब फाइनली बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की। यह आपको तीनों ही फोन्स में से सबसे बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह होगा 6.4 इंचेस का इन्फिनिटी डिस्प्ले कर्व्ड एजेस के साथ। यहाँ भी आपको गैलेक्सी S10 की तरह पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जहाँ एक होगा प्राइमरी सेंसर और बाकी दो सेंसर्स हो सकते हैं टेलीफोटो लेंस और वाइड एंगल सेंसर। यहाँ सामने डिस्प्ले में आपको पिल शेप्ड कटआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ दो फ्रंट कैमराज होंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ फ्रंट में होगा ड्यूअल कैमरा सेटअप। यहाँ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको तीन अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक में होगी 128 GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस हो सकती है $1,135, जो लगभग होता है 80,000 रुपीस। दूसरे वेरिएंट में होगी 512 GB इंटरनल स्पेस। इस वेरिएंट की प्राइस हो सकती है $1,390, यानी कि लगभग 98,000 रुपीस के आसपास। अब यह जो तीसरा वेरिएंट है, बताया जा रहा है कि उसमें होगी 1 TB यानी कि 1 TB इंटरनल स्टोरेज, जो बहुत ही ज़्यादा है। इस वाले वेरिएंट की प्राइस हो सकती है $1,750, जो लगभग होते हैं 1,23,000 यानी कि 1,23,000 रुपीज़ के आसपास। बताया जा रहा है कि इनके अलावा भी सैमसंग गैलेक्सी S10 का एक और वेरिएंट होगा जिसमें आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ये वेरिएंट 2019 में काफ़ी बाद में देखने को मिलेगा, जब वेल डेवलप्ड 5G नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अगर बात करें इंडिया की, तो जब भी इंडिया में अच्छी 5G कनेक्टिविटी आ जाएगी, तब गैलेक्सी S10 का ये 5G वेरिएंट इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा इस 5G वेरिएंट के बारे में हमें अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताई हैं कि इनिशियली UK से लीक हुई है, तो इसीलिए ये सभी प्राइजेस पाउंड्स में थी। ये प्राइजेस एज इट इज़ मैंने डॉलर्स और रुपीज़ में कन्वर्ट की है,
इसीलिए गैलेक्सी S10 जब एक्चुअली इंडिया में लॉन्च होगा तो सभी वेरिएंट्स की प्राइजेस इन प्राइजेस से थोड़ी सी अलग हो सकती है, पर रेफरेंस के लिए आप इन प्राइजेस को कंसिडर कर सकते हैं। अगर कुछ बाकी लीक्स की बात करें तो गैलेक्सी S10 और गैलेक्सी S10 प्लस में होगा इन्फिनिटी ओ कटआउट डिस्प्ले। ये दोनों ही डिवाइसेस दुनिया के पहले डिवाइसेस हो सकते हैं जिनमें आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ आपको रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है कि आप इन डिवाइसेस की मदद से अपने दूसरे स्मार्टफोन्स को चार्ज कर पाएंगे। इनमें आपको शायद आयरिस स्कैनर देखने को ना मिले। साथ ही साथ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि शायद इन डिवाइसेस में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को ना मिले। इसके अलावा इस बार आपको कुछ नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें येलो कलर वेरिएंट भी शामिल है। अब अगर लास्ट में बात करें प्रोसेसर की, तो बेशक इसमें होगा क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 855। तो बस यही सभी चीज़ें हमें सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में पता है। आप इस डिवाइस के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीज़न हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाएं। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।